So welcome guys, so today we are going to see one interesting thing. So if you are lazy like me, then it will be very useful to you. Okay, so basically scene क्या है, जब हम PC open करते हैं तो हमें कुछ default applications लगते हैं जो कि हमारे day to day life में हम use करते ही है. Okay, like if we are working on some project, then we need some applications that should be opened to work on that workspace. Means workspace means क्या होता है, अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी एक एंगुलर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एंगुलर का कोड VS कोड में होगा जब जिधर हम एडिट करेंगे, और फिर हमें सर्वर चालू करना पड़ेगा, मींस वो रन करना पड़ेगा एनजी सर्वर करके थ्रू टर्मिनल, एंड आई हैव टू ओपन माय गूगल क्रोम. सो ये मेरा वर्क स्पेस हुआ बिकॉज आई नीडेड दिस 3-4 एप्लीकेशन टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. सो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग क्या है, आप कोड VS कोड ओपन करोगे, टर्मिनल ओपन करोगे, फिर आप जाके वो कमांड डालोगे, फिर क्रोम पर जाओगे, क्रोम ओपन करोगे. सो ये टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, सो बेसिकली मेरा भी सीन वैसा ही था. ये मेरा दूसरा कंप्यूटर का, दूसरे कंप्यूटर का स्क्रीन है जिधर मैं डेली वर्क करता हूँ. सो उधर क्या सीन था, मुझे 3-4 टर्मिनल्स ओपन करके 3-4 सर्वर्स चलाना पड़ता था, फिर डेटाबेस का एप्लीकेशन ओपन करना पड़ता था, फिर क्रोम ओपन करना पड़ता था. तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, 10 to 15 minutes उसमें ही जाते थे, बिकॉज कमांड डालो, अगर सुडो का कमांड रहा तो पासवर्ड डालो, तो वो सीन था. तो बेसिकली उसको सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंबाइन किया और सिर्फ उस क्लिक पर मेरा पूरा वर्क स्पेस ओपन हो जाता था जिसमें मुझे कंटिन्यूसली काम करना था. ओके, मीन्स अभी इस पर डबल क्लिक करने के बाद पूरे मेरे जो भी नीडेड है वर्क स्पेस के लिए वो सब ओपन हो जाएंगे. अभी देखा आपने तो ये 4 टर्मिनल्स ओपन हो गए, फिर ये NoSQL बूस्टर जो मुझे लगता था डे टू डे लाइफ, सो ये सब ओपन हो जाएगा वन क्लिक पर. सो बेसिकली दैट वॉज द सोल्यूशन. मीन्स टाइम मैंने जो मैं टाइम कंज्यूम करता था 10 to 15 minutes, वो मैंने रिड्यूस करके आई थिंक 10 seconds. ओके, वही था. सो दैट्स द थिंग. सो दिस वॉज द सोल्यूशन इफ यू वॉन्ट टू ओपन यूर मल्टीपल, मीन्स ओपन यूर वर्क स्पेस विच कंटेन्स मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल थिंग्स. सो यूजिंग शेल स्क्रिप्ट वी कैन डू दैट. ओके, तो वो जो था मैंने इधर ये वाला आइकॉन बनाया है, ये डेस्कटॉप का है, डॉट डेस्कटॉप बोल के फाइल जनरेट होती है, तो उसके उसको एग्जीक्यूटेबल करने के बाद ये हो सकता है. तो बेसिकली नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल. ओके, वी विल ओपन आवर क्रोम एंड ओपन दिस वेबसाइट. ओके, अपने चैनल का ही वेबसाइट ओपन करते हैं यार. तो ओपन करेंगे यूजिंग शेल स्क्रिप्ट. ओके, सो फॉर डूइंग शेल स्क्रिप्ट वी नीडेड वन फाइल. ओके, आई विल क्रिएट वन फाइल, देव डॉट एश एच. ओके सॉरी, डॉट एश एच. ओके, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ. अभी इसमें क्या करना पड़ता है, इफ यू हैव टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फाइल. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस /bin/bash. तो हमें इसमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है जो भी हमारे नीडेड है. अभी मुझे क्या ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है. अभी ये गूगल क्रोम का स्पेलिंग मैं ऐसे ही नहीं डाल रहा हूँ, ये बेसिकली इंटरनली गूगल क्रोम का ये बिन फाइल में एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ गूगल क्रोम, और जिसमें मुझे क्या ओपन करना है, आई वॉन्ट टू ओपन दिस लिंक. ओके, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी. ओके, अभी मैंने ये कंट्रोल यस कर दिया, अभी मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ, मैं पहले ls करके चेक करता हूँ. ls में मेरा होगा आई थिंक अभी वो बहुत अभी. सो आई वॉन्ट टू डू दिस फाइल इन एग्जीक्यूटेबल. ओके, मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है. सो chmod+x फॉर एग्जीक्यूटेबल एंड dev डॉट sh. ओके ओके, सो मैं एंटर कर देता हूँ. ओके, सो आई हैव डन दैट इन एग्जीक्यूटेबल फाइल. नाउ आई हैव टू रन दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल. पहले मैं ये वाला क्लोज कर देता हूँ जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ. ओके, सो /dev/dev.sh. ओके, सो इट विल ओपन माई गूगल क्रोम. वाई इट इज नॉट ओपनिंग यार. ओके, या इट इज ओपनिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार. ओके, सो दिस वॉज अ थिंग. अभी हम इसमें क्या करते हैं, अभी मुझे कोड भी ओपन करना है. ओके, VS कोड का एग्जीक्यूटेबल फाइल कोड है, फिर मुझे आई थिंक
जीमेल भी ओपन करना है। ओके, मेरा इनबॉक्स देखना है मुझे। कंट्रोल सी, इसके आगे इस पेज डाल देता हूँ। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को हैकर रैम को ओपन करना है। कंट्रोल सी होता है क्या, चेक करेंगे यार। कंट्रोल वी। ओके, ये अभी। और एक बात, अभी मुझे एक टर्मिनल भी ओपन करना है, जिस टर्मिनल पर मुझे प्रिंट करना है हेलो देव। ओके, सो फॉर दैट अभी ये जीनोम टर्मिनल है, अपना जो टर्मिनल है वो जीनोम का है। ओके, वो डीप थिंग में आप पढ़ना जरूरी है नहीं। उसमें मुझे क्या करना है, जीनोम टर्मिनल पर मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो ना, हेलो डेव। ओके, ये अभी इसके झंझट में मत पड़ो, आप सिर्फ ये वाला चेक करो, इको हेलो देव। ओके, सो हेलो देव करने के बाद एटलीस्ट मुझे एंड करना है, तो एंड करने के लिए नहीं, एंड हो जाएगा ऐसे ही, चलो। कंट्रोल एस। ओके, कंट्रोल एस हो गया क्या। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस फाइल इनटू, अभी मैं ये क्रोम बंद कर देता हूँ, मीन्स अपना SSH वाला स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा इधर। ओके, नाउ इसको कन्वर्ट कर दिया फिर से, जस्ट लाइक हम कंपाइल करते हैं ना, वैसे ही है सीनियर। सो जीमेल ओपन हुआ, हैकर रैंक का डैशबोर्ड ओपन हुआ। ओके, मैंने पहले वाला क्लोज कर दिया था, आप ऐसा मत सोचिए कि वो क्लोज क्यों नहीं हुआ। अभी VS कोड ओपन क्यों नहीं हो रहा है, कोड कोड कोड। अरे कोड भाई, इनिशियलाइज सैंडबॉक्स कॉल विद मल्टीपल थ्रेड्स। ओके, सो कोड कुछ वजह से ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक उसका ये गलत रहेगा, क्या बोलते हैं उसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो दैट वाज द थिंग। तो ऐसा करके हम मल्टीपल कमांड्स डाल सकते हैं, मीन्स वी कैन सेट अप आवर वर्क स्पेस यूजिंग दिस शेल स्क्रिप्टिंग। ओके, और इसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट कैसे करना है उसके लिए कमेंट करिए, इफ आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूँ। ओके, सो थैंक यू।